आप पीछे देख ही रहे होंगे, मैंने ये ग्रीन स्किन का स्टैंड बनाया है। आप मेरे पीछे बैकड्रॉप देख रहे हैं, उसका पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम ग्रीन स्क्रीन का स्टैंड बना सकते हैं। टोटल जो खर्चा हुआ है वो स्टैंड बनाने में, एक्चुअली ग्रीन स्क्रीन का जो ग्रीन स्क्रीन तो मेरे पास थी ऑलरेडी, मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी तकरीबन 550 रुपये, और आज मैंने उसका स्टैंड बनाया है। पीवीसी पाइप का स्टैंड बनाया है मैंने। टोटल जो इसकी हाइट है वो 7 फीट है और इसकी विड्थ जो है वो 6 फीट है। बीच में मैंने दो बैंड ऐड किए। टोटल जो इसमें खर्चा हुआ है वो है 600 रुपये का, 600 रुपीज़। मैंने इसमें 40 फीट की पाइप ली, आधे इंच की 40 इंच की पाइप ली, 40 फीट की पाइप ली आधे की, और 6 बैंड लिए, और बस हो गया। 600 रुपये में इतना सामान लिया और पूरा मैंने इसको काट के फिर असेंबल किया है। और पीछे आप देख रहे ग्रीन स्क्रीन वो मैंने उसके साथ अटैच कर दी है ऑलरेडी। तो चलो मैं आपको पूरा कैसे बनाना है वो बताता हूँ इन डिटेल में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हो सके तो इसको लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तो ये पाइप मैंने काटी है, उसको काट देना है अच्छी तरह से, इसको एग्जैक्ट अपने जो साइज है वो साइज़ के हिसाब से आप पाइप जो है वो काट लो, और पाइप को एग्जैक्ट साइज़ में काटने के बाद उसको असेंबल करना है। आपको 2 एल्बो चाहिए होंगे और टोटल जो पाइप चाहिए होगा वो 40 फीट पाइप चाहिए होगा, और 40 फीट पाइप को आपके साइज़ के हिसाब से उसको कटिंग करने के बाद उसको पूरा असेंबल करना है। सो मैंने 40 फीट में से ये जो आपको लंबी जो बड़ी पाइप दिख रही है वो 6 फीट की काटी है, और इस 6 फीट की पाइप जो आप देख रहे हैं वो मेरी मेन पाइप है। उसमें हम 2 एल्बो लगाएंगे। यहाँ पे मैं एल्बो ढूंढ रहा हूँ। तो ये वाले जो टी शेप के एल्बो हैं वो आपको नहीं लगाने हैं, ये मैंने गलती से लगा दिया था। आपको जो है वो राउंड वाले एल्बो जो है वो लगाने हैं, क्योंकि उसमें दो पाइप जॉइंट नहीं होने वाले हैं, इसमें एक ही पाइप जॉइंट होने वाला है। सो अभी मैं इसको निकाल दूंगा, और इसको निकालने के बाद फिर मैं एल्बो जो है वो लगाऊंगा। टी एल्बो आपको जो बीच में जो जॉइंट आएंगे वहीं पे चाहिए, बाकी जो 2 एल्बो है वो आपको ऊपर के एक पाइप में लगाने हैं। टोटल जो पाइप कटिंग करनी है आपको वो 6 फीट, फिर दूसरे जो 2 पाइप कट करने हैं वो 3-3 फीट के करने हैं, और ये जो बीच में आप जो ये एक लंबा ये पाइप जो मैंने अभी लगाया देखो मैं अभी ये निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाद में फिर पता चला कि इसमें मुझे एल्बो लगाने हैं। तो ये मैंने ये टी एल्बो जो लगाए थे वो निकाल दिए, वो टी एल्बो जो है वो आपको नहीं लगाने हैं। आपको सिर्फ हमारे जो सिंगल एल्बो है वही लगाने हैं। देखिए अभी मैंने सिंगल एल्बो लिए और यही लगा दिया। सो यही वाले एल्बो आपको 2 लगाने हैं, और 2 एल्बो लगाने के बाद फिर ये मैंने जो 2.5 फीट की ये जो 2 पाइप है वो लगा देनी है। एक 2.5 फीट की पाइप मैंने ज्वाइन की, अभी दूसरी 2.5 फीट की पाइप मैं लूँगा और उसको भी ज्वाइन कर दूँगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पे टी एल्बो लगाऊँगा, जो 2.5 फीट वाली अपनी पाइप है उसके अंदर मैं टी एल्बो लगाऊँगा, और उस 2.5 फीट के एल्बो में 3-3 फीट की जो पाइप है बीच में वो ऐड करूँगा। ये देखिए मैं 3-3 फीट की पाइप जो है वो मैंने ढूँढ ली है। अब मैं टी एल्बो लूँगा और उसमें फिर मैं ये 2 फीट की है, 2 फीट की हमें 3-2.5 फीट के बाद फिर 2 फीट का जो है वो ऐड करना है। टोटल हमारा 7 फीट का स्टैंड होगा।
हाइट जो हमारे स्टैंड की रहेगी वो 7 फीट की रहेंगी। ये सभी पाइप आप देख रहे हैं, ये दूसरी जो है वो 2-2 फीट की है, ये 2 फीट की है, ये भी 2 फीट की पाइप है। अब मैंने 2-2 फीट की सब जो पाइप है वो अलग कर दी है, ये चारों पाइप जो है वो नीचे आएगी, ठीक है। ये ऊपर वाली जो पाइप है वो 3-3 फीट की है, बीच में जो आप देख रहे हो अभी ये मैं 3-3 फीट वाली पाइप लूँगा, ये आप देख सकते हैं ये 3-3 फीट वाली पाइप है वो नीचे आ जाएगी, हाँ यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे मैं अभी टी एल बोलूँगा, ये टी एल बो लिया मैंने और इसमें यहाँ पे मैंने फिट कर दिया। अच्छी तरह से फिट करना है, प्रॉपर तरह से ही फिट करना है आपको, वरना फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जैसे आप इसको उठाओगे तो फिर निकल ना जाए, उस तरह से आपको फिट करना है। थोड़ा जोर लगा के फिट करिएगा, वरना फिर जो ये है स्टैंड वो आपका निकल जाएगा। अभी मैंने दोनों टी एल्बो जो है वो जॉइंट कर दिए हैं, अभी मैं बीच में 3-3 फीट वाली जो पाइप है उसको मैं ये जॉइंट कर रहा हूँ। मैंने पूरा पहले जॉइंट नहीं किया, पहले सब पाइप सेट कर दी और पूरा पहले मैंने प्लान बना लिया कि हाँ इस तरह से पूरी सब पाइप आएगी, अब मैं इसको जॉइंट करूँगा। ये पूरा प्लान बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं। अब मैंने ये प्लान के हिसाब से सभी पाइपें जॉइंट कर रहा हूँ। एक 6 फीट वाली पाइप, उसमें 2 एल्बो, फिर दूसरी 2.5 फुट वाली 2 पाइप और उसमें ये टी शेप एल्बो, फिर बीच में 3-3 फीट वाली 2 पाइप और उसमें एक टी एल्बो और बीच में जो ये पाइप है वो दूसरी 2 फुट वाली है, इसमें एक एल्बो लगा दिया मैंने। अब सब एग्जैक्ट जॉइंट कर लिया। अब उसके बाद फिर मैंने ये 2 फुट वाली एक पाइप ली और इसमें उसको भी मैंने अपने 2.5 फुट वाली एल्बो के साथ जॉइंट कर लिया। ये 3 फीट वाली एक दूसरी पाइप है, बीच में मैंने सपोर्ट डाले हैं ताकि जो हमारा स्टैंड है वो कैसे भी मुड़े ना, गिरे ना। बीच में मैंने 2 सपोर्ट डाले हैं, वो 2 सपोर्ट जो है वो 3-3 फीट के हैं, टोटल 6 फुट का स्टैंड बनेगा हमारा। और ये फिर मैंने यहाँ पे एक दूसरी 2 फुट वाली पाइप ऐड कर दी, तो बीच में 2 जॉइंट रहेंगे जिसकी वजह से हमारा स्टैंड जो है वो लचक नहीं रहेगा, पूरा परफेक्ट खड़ा रहेगा। सब पाइप का काटो खुद, तब साइज़ का बहुत ध्यान रखना। टोटल आप देख रहे हैं 6 फीट, फिर 2 फीट, 2 फीट, 2 फीट, फिर 3-3 फीट की 6 पाइप है, बीच में 2-2 फुट की 3 पाइप है। अभी दूसरी फिर मैंने 2 फुट की पाइप ले ली, यहाँ पे भी ये 2 फुट की पाइप मैंने एल्बो के साथ जॉइंट कर दी। अब नीचे जो है हमारा ये स्टैंड हो जाएगा। स्टैंड के लिए मैंने 1-1 फीट की पाइप 4 कट की है, ये 1-1 फीट की पाइप मैं यहाँ पर लगा दूँगा, तो हमारा ये नीचे का जो है वो बेस हो जाएगा। ये बेस के लिए है, ये हमारा बेस हो गया। बहुत इसमें खर्चा नहीं हुआ है, ऑनलाइन मैंने बहुत सर्च किया था स्टैंड के लिए, तो कई अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे थे। फिर मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो देखे कि कैसे हम स्टैंड जो है उसको कुछ बना सकते हैं, तो अगर आप हो सके तो थोड़ी, मैंने ये आधे की पाइप ली है, अगर आप हो सके तो 1 की या तो फिर 1.25 की लीजिएगा ताकि थोड़ा मजबूत स्टैंड हो। अगर आपको एक ही जगह पे इसको फिक्स रखना है तो आप ये साइज़ के पाइप का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाहर आउटडोर शूटिंग करना है तो फिर आपको ज़्यादा मजबूत पाइप चाहिए होगी। ये मेरा इनडोर के रिलेटेड है। ये देखिए आप, पूरा स्टैंड जो है वो बन के तैयार हो चुका है और पूरे मैंने जॉइंट बॉइंट सब कंप्लीट कर दिए। अगर आपको मजबूत स्टैंड बनाना है तो फिर 1 की या तो फिर 1.25 की लीजिए। अगर आपको एक ही जगह पे इंडोर पे ये स्टैंड रखना है तो आप ये 1/2 इंच की जो पाइप है उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरा जो मेन पर्पस है वो है अंदर एक ही जगह पे रखने का होता है, कहीं पे आउटडोर जो है वो शूट नहीं करना होता है, तो इसलिए मैंने 1/2 इंच का लिया और ख़र्चा भी कम हुआ है। ये जो मुझे पूरी जो पाइप पड़ी है वो एल्बो के साथ वो 600 रुपीज़ में पड़ी है। और अब इसमें मेरा जो ग्रीन कलर का पर्दा है यानी कि बैकड्रॉप है वो मैं लगा रहा हूँ। ये भी मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था, कुछ 550 रुपये का मिला था, लिया था मैंने, और ये बहुत टाइम हो गया था तो ये ऐसे ही पड़ा रहता था।
ये इसका प्रॉपर यूज़ होगा, अभी मैं इसको लगा दूँगा। इसके साथ मैंने जो ये कपड़े सुखाने के जो अपने क्या बोलते हैं वो चप्पली जो होते हैं वो भी मैंने अमेज़ॉन से ही लिए थे, कुछ 50-100 रुपये के कुछ एक दर्जन मिले थे 12 ने, वो मैं लगा दूँगा यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंड जो है अच्छा वर्क कर रहा है, कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई गिर जाएगा थोड़ा। अगर आप अच्छी तरह से इसको फिट करेंगे तो ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाएगा। और ये देखिए आप, पर्दा जो है उस साइड से निकल गया है। सो आपको यही ध्यान रखना है कि पर्दा अच्छी तरह से लगे, वरना अगर बीच में क्रीज रही या तो फिर कहीं से शेडो आ रहा है तो फिर ग्रीन स्क्रीन जो है वो रिमूव नहीं होगा, आपको पता है ऑलरेडी। अगर आप ग्रीन स्क्रीन का यूज़ कभी किया है तो आपको पता होगा कि क्रीजें जितनी भी होगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे हमें डायरेक्ट ग्रीन स्क्रीन को निकालने में। अलग अलग सॉफ्टवेयर में फिर आप ये ग्रीन स्क्रीन जो है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले स्टार्टिंग के जो इंट्रो वीडियो है उसमें आपको बताया था, उसमें मैंने एक जो प्रीवियस वीडियो था वो ग्रीन स्क्रीन वाला था और दूसरा उसके बाजू में जो था वो मैंने बैकग्राउंड निकाल के बताया हुआ था। सो यही है, पूरा देख सकते हो आप, पूरा मैंने ग्रीन स्क्रीन बैकड्रॉप है वो सेट कर दिया है। इस तरह से आप इसका अलग अलग वीडियो बनाने में आप यूज़ कर सकता हूँ। तो बहुत ही सस्ता पड़ा है मुझे और बहुत ही अच्छा रहा है। एक आध घंटा लगा होगा मुझे इसको कटिंग वटिंग करने में, सामान लाने में, और ये लॉकडाउन चल रहा था तो वो एक दुकान मुझे घूमना पड़ा। सो बहुत ही अच्छा ये बैकड्रॉप बन गया है मेरा। सो होप आपको ये मेरा जो स्टैंड बनाने का आइडिया है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।